गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोरोना वायरस सब जगह दिख रहा है, इतना प्रोसिक्यूटेड किया। नेक्स्ट इन डेप्थ के अंदर जो बात की गई है डिफेंस एक्सपो के बारे में, लखनऊ में हो रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है, दो चार पॉइंट्स हैं देखेंगे। देश देशांतर के अंदर बात की गई है ग्राम न्यायालय के बारे में, राज्य और चुनौतियों के बारे में कि किस तरह से वो स्टेबलाइज किए हैं नहीं किए हैं, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर में आया है आर्टिकल कि वुमेन्स इज नॉट फिट फॉर मिलिट्री, इस तरह की डिबेट चल रही है। मैं चाहता हूं आप लोग उसको देखो खुद से, बाकी कहोगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस, आप अच्छी तरह से जानते हो एक वायरस है, जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं, कई किस्म की दिक्कतें आती हैं। पहले छह तरह से कोरोना वायरस की जानकारी। देखो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है सो एक वायरस है तो एक के अंदर बहुत सारे गुत्थियाँ मिल जाती हैं, तो ये एक ताज की तरह दिखता है, इसलिए कोरोना वायरस मतलब क्राउन से बना है। तो ये बातें यहाँ पर बस वैसे जनरल है, ऐसी कुछ चीज़ें तो पूछेगा नहीं। सोर्स कोरोना वायरस गंध बिलाव यानी स्विट कैट से मनुष्यों में, जूनोटिक डिजीज है, कॉमन है और 2003 में चीन में फैला और बहुत मतलब दयनीय स्थिति है चाइना में, चाइना के हुआन शहर से मर्स सीओवी ऊंट के इंसान में फैलता है और सीओवी पहली बार सऊदी अरब में 2012 में देखा गया। सिर दर्द, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, यहाँ तक कि किडनी भी फेल हो सकता है, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना, थकान महसूस होना, निमोनिया, फेफड़ों में सूजन, किडनी का फेल होना। वुहान शहर यहाँ देख सकते हो ईस्टर्न वाले पार्ट में, आपको दिखेगा चाइना का बहुत बुरी हालत है। हाथों को साबुन से धोना बचाव का तरीके, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकना, सर्दी या फ्लू संक्रमित लोगों के पास से बचना, पूरी तरह से पका हुआ मांस खाना, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आने से बचना। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोची, हैदराबाद और चेन्नई मतलब सब जगह जो है सो एक हाई अलर्ट WHO ने भी घोषित कर दिया है। ये बातें आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, डिफेंस एक्सपो के बारे में। जाहिर सी बात है डिफेंस में किस तरह से एक्सपो करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें या फिर डिफेंस को किस तरह से आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट फॉरेन कंपनीज 172 है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। बिजनेस सेमिनार्स बाय बोथ इंटरनेशनल इंडियन इंडस्ट्री एंड चैम्बर्स, मिनिस्टर्स फ्रॉम 15th अफ्रीकन नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, मिसाइल एंड स्ट्रेटजिक सिस्टम, नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स, इच टेक्नोलॉजी क्लस्टर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। सारे टेक्नोलॉजी को क्लस्टर किया जाएगा डायरेक्टर जनरल की सहायता से। प्रोडक्ट वगैरह पेट्रोल वेसल की बात हो, हेलीकॉप्टर, सोनार्स, रडार्स, एवियोनिक्स, रडार वार्निंग रिसीवर्स, स्मॉल आर्म्स, स्मॉल कैलिबर एल्युमिनियम, ग्रेनेड्स, टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कोस्टल सर्वेलेंस, साइमल्टेनस बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बॉडी आर्मर, मतलब कुल मिलाकर के एक डाटा है। 2016-17 में 1521 करोड़ रुपये का हमने एक्सपोर्ट किया, 2017-18 में 4682 करोड़ का और 2017-18 में 10745 करोड़ का। मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं, कहने का मतलब 16-17 से 17-18 में चार गुना किया और चार गुना आठ मतलब दो गुना से भी ज़्यादा किया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इटली को, मालदीव को, श्रीलंका को, रसिया को, फ्रांस, नेपाल, हमारे जितने ही पड़ोसी देश हैं, इजिप्ट तक को, भूटान, इथोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली, इन सब को हम एक्सपोर्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के कॉन्सेप्ट और स्टेट की भूमिका। असल में ग्राम न्यायालय होता क्या है, सबसे पहले तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1986 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 114वीं लॉ कमीशन की 114वीं रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पंचायत व्यवस्था को लीगल बैकअप देना जरूरी है। मतलब गांव के जो लोग हैं इनको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, केस मुकदमे, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट वाले कुछ चीज़ें होती हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, क्यों ना इनको सुविधा मोबाइल क्लिनिक, जिस तरह से गांव में, जैसे दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ले में ही सब कुछ मिल जाता है, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट, वो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं लेकुनाज हुआ और इसके वजह से ये नहीं हो पाया। मतलब मोहल्ले में ही, गांव में ही इसको आसानी से
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहायता से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सहायता से इसको कवर किया जा सकता था, लेकिन दिक्कतें हैं। और इसमें एक दो बातें और हैं कि सीपीसी और सीआरपीसी इसको ये फॉलो नहीं करेगा। फॉलो किसको करेगा? तो रिचुअल्स को फॉलो करेगा। अब देखो, एंशियंट टाइम से इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे भारत देश में है। मजदूर को सबसे ज्यादा राहत मिलती लेकिन, और क्विक एक्शन होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट बात करूं तो प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स गिनाओ तो पहली प्रॉब्लम्स इसको एस्टेब्लिश करने में फाइनेंस की दिक्कत है। गवर्नमेंट पैसे सेंटर देती नहीं है, स्टेट अपना खर्च करना नहीं चाहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में। और यहां पर लॉजिस्टिक नहीं मिलता है। लॉजिस्टिक मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है, ऑफिस वगैरह चाहिए। तीसरा, पुलिस भी नहीं कोऑर्डिनेट करती है, ना जाना चाहती है। चौथा, अब लॉयर है या फिर मजिस्ट्रेट है वो क्यों गांव जा करके रहेगा, उसे सुख सुविधा ही नहीं मिलेगा वहां पर, तो जाहिर सी बात है वो नहीं जाना पसंद करेंगे। रोड कनेक्टिविटी भी कहीं कहीं दिक्कत होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेफ्टी इशू भी होती है, सेफ्टी में भी दिक्कत होती है। दूसरी बात, हमारे भारत में जितने भी हाईकोर्ट है इनमें ही वैकेंसी इतनी ज्यादा खाली है, इतने ही केस पेंडिंग है, इसको तो एड्रेस कर नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसको एड्रेस करने के लिए हम यहां पे एक लोकल कोर्ट गांव में बनाया जा सकता है। अभी बहुत सारी फटकार वगैरह लगाया गया है, मतलब कुल मिलाकर के पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। और अगर विल पावर बढ़ाया जाए, फाइनेंस बढ़ाया जाए, तो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी हो सकता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजा जा सकता है, क्योंकि इसको तो गवर्नमेंट पैसे देती है, तो ग्राम न्यायालय बनाकर लोगों की को सर्विस दिया जा सकता है। ग्राम न्यायालय कब आया था? 2008 के आसपास। और क्या क्या है ये, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, और ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ऑप्शन वगैरह में दिख सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।